नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सतीश कौशिक की मौत के बाद लगातार उनकी जो मिस्ट्री है वो लगातार उलझती ही जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना बाकी है, लेकिन देखिए विकास मालू के फार्म हाउस के बाहर हम मौजूद है। विकास मालू का फार्म हाउस है क्योंकि विकास मालू का नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। विकास मालू की जो पत्नी है उन्होंने कई आरोप लगाए हैं विकास मालू के ऊपर, और इतना ही नहीं आज ये समझिए कि आज जो है दिल्ली पुलिस विकास मालू की पत्नी से जो है वो पूछताछ करेगी। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि विकास मालू की पत्नी जो है आज उनसे दिल्ली पुलिस उन सवालों का जवाब लेगी जो आरोप लगातार विकास मालू के ऊपर विकास मालू की पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर विकास मालू की पत्नी जो है आज वो दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगी, क्योंकि दूसरा जो है ये नोटिस दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अब जो है विकास मालू की पत्नी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है तो वो ये बताए कि आखिर ये आरोप जो है वो किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत भी है, क्या जिस 15 करोड़ वो जिक्र लगातार करें, जिस पार्टी का वो जिक्र कर रही है। सतीश कौशिक की मौत नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था, उनकी हत्या की गई थी, जिस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है उन सभी सवालों का जवाब जो है अब दिल्ली पुलिस आज उनसे लेगी। कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली पुलिस पहुंचेगी और उनसे बातचीत करेगी। और सीधे ले चलते हैं उसी जगह पर जहां पर विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी, कितनी देर बाद जो है विकास मालू की पत्नी से पूछताछ की जाएगी? देखिए अनुपमा, लगभग 1:30 से 2 बजे का समय दिया गया था और ये समय इस वक्त है क्योंकि पीड़ित महिला जो है वो यहाँ पर जो उनके एडवोकेट हैं उनके दफ्तर में पहुंची हुई हैं बयान देने के लिए, अपना जो उन्होंने आरोप लगाए थे उस पर बयान देने के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जाँच अधिकारी जब यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद ये पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से आरोप अब तक पीड़ित महिला के द्वारा लगाए गए हैं वो आरोप काफ़ी संगीन है। क्योंकि सतीश कौशिक की मौत के बाद जो नई थ्योरी इस पूरे केस में डाली गई है वो पीड़ित महिला के द्वारा गई, और जिस तरह के आरोप उसने लगाए हैं उन्हीं आरोपों की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली पुलिस उन बयानों को लेगी और उस बयान के आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होगा वो शुरू होगा। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन हैं और इस पूरी थ्योरी में जहां पर मौत उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी सतीश कौशिक की, उसके बाद ये कहा गया था 2 दिन बाद पीड़ित महिला सामने आकर ये बयान देती है कि उनकी मौत नहीं बल्कि एक साजिश यहां पर करार दिया गया था। तो ऐसे जो नए सवाल यहां पर आए हैं उन सवालों का जवाब पुलिस को जानना है और इसीलिए आज यहां पर बयान लिए जाएंगे और बयान लेने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अब तक लगभग जो फार्म हाउस के रहने वाले या उस पार्टी में रहने वाले लोग हैं उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अभी कुछ और किरदार ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो होंगे वो आज होंगे कुछ देर बाद जब दिल्ली पुलिस के जाँच अधिकारी पीड़ित महिला से उन सवालों को पूछेंगे जो आरोप वो लगा रही है उनके पास क्या कोई सबूत है। ये भी उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुछ सबूत भी है 15 करोड़ की जो बात सामने आई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर अब जब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी तो आखिर वो कौन से सबूत होंगे जो पेश किए जाएंगे विकास मालू की पत्नी की तरफ से जो आरोप वो लगा रही थी, आखिर क्या उसको लेकर उनके पास सबूत है भी या नहीं है। दीपक, आप हमारे साथ बने रखिए। लेकिन देखिए सतीश कौशिक की मौत के बाद कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब जो है दिल्ली पुलिस भी ढूंढ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह बात बता दी गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो है हार्ट अटैक की वजह सतीश कौशिक की जो है मौत हुई थी। लेकिन अब विकास मालू की पत्नी ने जो है अपने ही पति पर कई आरोप लगा दिए हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या आरोप लगाए गए हैं और विकास मालू उस पर क्या कुछ जवाब दे रहे हैं। देखिए, क्या है 8 मार्च का राज? विकास की पत्नी बोलेगी, राज खोलेगी। विकास की पत्नी से होंगे सवाल जवाब। आठ मार्च को होली की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सतीश कौशिक की मौत हो गई और अब दिल्ली पुलिस की टीम इसी सच की तलाश में जुट गई है। वैसे इस मामले में उस वक्त नया मोड़ा गया जब विकास मालू की पत्नी ने अपने ही पति पर सतीश की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विकास मालू की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया और अब इसी बात का सच पता लगाने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। दरअसल जिस फार्म हाउस पर होली की पार्टी में सतीश कौशिक शामिल हुए थे और फिर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी, उसी फार्म हाउस के मालिक विकास मालू की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे।
जिसमें दावा किया था कि विकास मालू ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे। इसी लेन देन की वजह से दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। विकास मालू की पत्नी ने दावा किया है कि विकास ने ही सतीश कौशिक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। विकास की पत्नी ने एक बार सतीश कौशिक को दवाई देने का जिक्र किया। विकास मालू की आरोपों पर सफाई, अपनी पत्नी के आरोपों को बताया गलत। पुलिस करेगी विकास की पत्नी से पूछताछ। और इन्हीं आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने विकास मालू की पत्नी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इस बीच पूरे मामले में विकास मालू भी सामने आए और अपनी पत्नी के आरोपों को नकार दिया। ऐसा कोई मामला नहीं है, ना मेरा कोई उनसे बिजनेस रिलेशन है, ना कोई और है। तो जब बिजनेस रिलेशन नहीं है तो मैं उनसे पैसे क्यों लूंगा। वही विकास मालू की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया था जिसे लेकर दावा किया था कि वो वीडियो दुबई की पार्टी का है जिसमें विकास मालू शामिल हुआ था। विकास मालू की पत्नी ने ये भी दावा किया था कि पार्टी में दाऊद इब्राहिम का बेटा भी पहुंचा था। पुलिस ने पूरी जितनी है सीसीटीवी कवरेज और जो है वो सारी उन्होंने चेक करी है, उसमें तो उनको तो कोई नहीं दिखा। फिलहाल पुलिस को इंतजार है विकास की पत्नी का। जब वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगी तो शायद सतीश की मौत के राज से पर्दा उठ सके। और चलिए आइए आपको बताते हैं कि विकास मालू की पत्नी ने उन पर क्या कुछ आरोप लगाए थे। दरअसल विकास की पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा था कि सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी कहा था कि उधार के पैसों की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। विकास मालू ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इसके अलावा विकास मालू पैसे लौटाना नहीं चाहता था। विकास मालू की होली पार्टी में मुंबई से वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच कारोबारी रिश्ते भी थे। लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इमरजेंसी में भी लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में विदेशों में जाकर बात की थी। दिग्विजय सिंह जी, हम यहाँ लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है मैच्योरिंग डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के मामले में आपकी पार्टी पर इल्जाम ये लग रहा है कि आप हमारे देश को विदेश में बदनाम कर रहे हैं, आपके नेता। लोकतंत्र का पैमाना